नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, वहीं मौत की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 38,792 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 624 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,09,46,074 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 4,11,408 मरीज कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 3,01,04,720 मरीज कोरोना से रिकवर होने में सफल हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 41,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज़्यादा होने से एक्टिव केस कम हो रहे हैं। देश में अब 4,29,946 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो ये बढ़कर 97% के पार पहुंच गया है। वहीं डेथ रेट घटकर 1.33% पर आ गया है। राज्यों की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोरोना अभी भी टेंशन दे रहा है। इनमें 50% मामले अकेले केरल और महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। केरल में मंगलवार को 14,539 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 124 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में बीते दिन 7,243 नए कोरोना के सामने आए, जबकि इस दौरान 196 मरीजों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटे में 2,567 नए कोरोना मरीज मिले। इस दौरान 18 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में बीते दिन 2,505 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट किए गए, जबकि 48 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। असम में मंगलवार को कोरोना के 2,169 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान 23 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में मंगलवार को 1,913 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं इस दौरान 48 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा तेलंगाना 767, गुजरात 31, मध्य प्रदेश 23 और राजस्थान में मंगलवार को बीते 24 घंटे में 28 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 37,14,441 डोज लगाई गई हैं। 13 जुलाई तक देश में कुल 38,76,97,935 डोज लगाए जा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।